कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि एक साल में बच्चा मीनिंगफुल बैबल बोलना ही चाहिए। ही कैन बी डिलेड बाई 3 months और 4 months एंड शायद 1.5 साल में उसने मीनिंगफुल बैबल्स बोले हैं। दैट डजेंट मेक अ डिफरेंस। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन टू कंसल्ट। इज द नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट हैपन्स इन अ चाइल्ड। सो आपने देखा होगा फर्स्ट 6 months में बच्चे यूजुअली कुछ नहीं बोलते हैं। बच्चे देखते हैं, स्माइल करते हैं, यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, लोगों को चेहरे देख के वो स्माइल करने लग जाते हैं, बट ज़्यादा कुछ वर्ड्स मुँह से निकलते नहीं हैं या इवन साउंड्स भी ज़्यादा नहीं निकलते। बट बाई 4 to 6 months दे स्टार्ट सेइंग letters like ooya. So this is called as cooing. So cooing starts by around 4 to 6 months of age. Then with time, by around 1 year of age, they start saying 2-letter words, that is mama, dada, papa, baba. They might have meaning, they might not have meaning. मतलब वो शायद पापा को देख के पापा नहीं बोल रहे हैं या मम्मा को देख के मम्मा नहीं बोल रहे हैं, बस वो वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज बैबलिंग। बैबलिंग यूजुअली स्टार्ट्स बाय 9 to 11 months ऑफ एज। बाय 1 year ऑफ एज द चाइल्ड यूजुअली हैज अ मीनिंग टू द बैबल। मतलब जब वो पापा बोल रहे हैं वो एक्चुअली पापा को देख रहे हैं, जब वो मम्मा बोल रहे हैं वो एक्चुअली मम्मा के लिए ही मम्मा बोल रहे हैं। सो बेसिकली द बैबल स्टार्ट गेनिंग मीनिंग। सो पापा को पापा बोलना, मम्मा को मम्मा बोलना, दूदू को दूध को दूदू बोलना, दीज ऑल स्टार्ट्स यूजुअली बाय 1 year ऑफ एज। इन सब किड्स इट कैन बी डिलेड टू 1 to 1.5 years ऑफ एज। यूजुअली बाय 1.5 years ऑफ एज चाइल्ड कैन स्पीक एटलीस्ट 2 to 3 मीनिंगफुल बैबल्स एंड 1 or 2 मीनिंगफुल वर्ड्स। सो फॉर एग्जाम्पल, मम्मा को मम्मा, पापा को पापा, दीदी को दीदी, एंड मे बी सपोज वो बच्चे को बॉल बहुत पसंद है, वो बॉ 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 टू बॉल बोलने लग जाता है। सो मीनिंगफुल बैबल्स एंड 1 or 2 मीनिंगफुल वर्ड्स यूजुअली स्टार्ट्स बाय 1.5 years ऑफ एज। By 2 years of age, the child usually has a vocabulary of 100 to 200 words. That means the child is able to make sentences of 2 words, like mama khana, ya fir mama chauki, bahar jana, something like that. They start communicating in 2-word phrases by 2 to 2.5 years of age. अभी ये हो गया एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, मतलब बोलने का लैंग्वेज। बट जो समझने की भाषा होती है, मतलब कि मैं कुछ बोल रही हूँ और बच्चा उसकी भाषा समझ रहा है, ये इट स्टार्ट्स एज अर्ली एज 8 to 9 months ऑफ एज। आपने देखा होगा 9 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, अगर आप बोल रहे हो बच्चा फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस, बच्चा फ्लाइंग किस देता है, या फिर आप बोलते बाय बाय करो आंटी को, बाय बाय करो, बच्चा बाय बाय करता है। मतलब वो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लग जाता है या आपकी भाषा समझने लग जाता है। यूजुअली बाय 1, 1.5 years ऑफ एज द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स अ लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लाइक आपका नाक दिखाओ, आपका आईज दिखाओ, फैन कहाँ है, बॉल कहाँ है, आप बुक दिखाओगे, बुक में बताओगे डॉगी कहाँ है, डॉगी, बच्चा डॉगी को दिखाएगा, बॉल कहाँ है, बॉल, बच्चा बॉल को दिखाएगा। सो बेसिकली अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड लॉट ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप्स बाय 1.5 years ऑफ एज। टिल 1.5 years ऑफ एज द चाइल्ड माइट नॉट बी वर्बल, मतलब वो बच्चा बोल नहीं रहा है लेकिन नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर देता है। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए है वो भले ही बोलेगा नहीं लेकिन पॉइंट आउट करके दिखाएगा। अगर उसको चाहिए है कि मम्मा उसको गोदी ले, वो भले ही बोलेगा नहीं गोदी, बट वो मम्मा को हाथ दिखाएगा कि मुझे गोदी ले लो। दीज ऑल आर नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशंस। The non-verbal way of communication, even if the verbal communication is not started, should start by 1 to 1.5 years of age. अब तो हमने क्या सीखा कि less than 1 year usually बच्चे की understanding आने लग जाती है,
1 to 1.5 years में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है और कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स आने लग जाते हैं। बाई 2 years वो 2-2 word के वर्ड्स बोलने लग जाता है, भले ही वो क्लियर नहीं होंगे, थोड़े से टूटे टूटे होंगे, बट वो बोलने लग जाता है। अब कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि एक साल में बच्चा मीनिंगफुल बैबल बोलना ही चाहिए। He can be delayed by 3 months or 4 months and शायद 1.5 साल में उसने meaningful babbles बोले हैं। That doesn't make a difference. The important question is when to consult someone या कब समझे कि बच्चा actually speech delayed है। बच्चा बोलने में late कर सकता है, शायद बच्चा 2 साल में बोले, doesn't matter. But बच्चे का understanding should start developing. अगर बच्चा भाषा समझ भी नहीं पा रहा है, दैट मीन्स देर इज सिग्निफिकेंट डिले दैट इज सेट इन। सो अगर 1.5 साल का बच्चा है, बच्चे को जो बोला, आपने बोला कि ये दिखाओ, वो कहाँ है, वो फेंको, वो लेके आओ, ये वहाँ रख दो, अगर ये सारी चीज़ें वो समझ रहा है और नॉन वर्बली सारी चीज़ें बता रहा है, ये दे दो, वो अगर पॉइंटिंग करके दिखा रहा है, डू नॉट वरी, यू कैन इवन वेट टिल 2 years, चाइल्ड विल स्पीक विद टाइम। बट If the child is not responding to your language as well by 1.5 years of age, मतलब मैं बोले जा रही हूँ बच्चा नाक दिखाओ, बच्चा फ़ोन दे दो मुझे, बच्चा बॉल फेंको, ये कोई वो चीज़ समझ नहीं रहा है, बाय बाय करो, टाटा करो, ये कोई चीज़ वो समझ नहीं रहा है, 1.5 साल का हो गया है, डेफिनेटली देर इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो नॉट डेवलप्ड। जब तक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज नहीं डेवलप होगी, तब तक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप नहीं हो सकती। सो अगर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ही डिले हो गई है, तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और डिले हो जाएगी। दैट मीन्स अगर एक बच्चा 1.5 साल की उम्र तक आपकी भाषा या आपके सिंपल इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पा रहा है, देर इज अ कंसर्न, यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। If suppose you think that the child is not responding only, वो आपको देखता ही नहीं है, आप कितना ही बुला लो, आप कितना ही उससे बात करने की कोशिश कर लो, वो आपको देखने में ही interested नहीं है, instruction follow करना तो second step है, वो देखता ही नहीं है आपको, immediately you should consult the doctor. Why? Because जब तक बच्चा देखेगा नहीं, तब तक सुनेगा भी नहीं। Ideally हमें भाषा सीखने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बच्चा जब भाषा सीखता है, वो सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, लिप मूवमेंट्स देखता है और फिर उसको रिलेट करने की कोशिश करता है। अगर बच्चा देख ही नहीं रहा है, तो आगे के 2 स्टेप होंगे ही नहीं। अगर बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, अगर बच्चा आपके बातों को, जब आप बातें कर रहे हो या आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो आपको आई कांटेक्ट ही नहीं दे रहा है, तो वो लैंग्वेज सीखना उसके लिए बहुत मुश्किल है, वहीं पे आपका कंसर्न आ जाता है। सो इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट गिविंग यू एन आई कॉन्टैक्ट बिफोर 1 year ऑफ एज, दैट्स अ साइन टू कंसल्ट द डॉक्टर। अगर 1 साल के अंदर भी, 1 साल हो गया है बच्चे को और बच्चे ने अपना आई कॉन्टैक्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, नाम को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट नहीं किया है, यू शुड आइडियली कंसल्ट द डॉक्टर, बिकॉज जब तक वो नहीं करेगा, तब तक लैंग्वेज नहीं डेवलप होगा। सेकेंड, अगर बच्चा आई कॉन्टैक्ट नेम रिस्पॉन्स अब देता है, 1.5 साल हो गया है, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है या मेरी भाषा समझ नहीं रहा है, अगेन देर इज़ अ नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। अगर 1.5 साल तक बच्चा सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, यू कैन वेट फॉर अनदर 3-4 months टू गो, ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। Now the child is 2 years of age and there is no meaningful word that has come up. Koi bhi expressive word nahi aa raha hai. Definitely consult a doctor so that he doesn't get delayed further. Why it is so important to take therapy or solve the speech delay? Because jab bachcha 1 to 2 years में जाता है, बच्चा बहुत कम वर्ड सीखता है, बट जब बच्चा 2 to 4 years में जाता है, बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 2000 words। अगर हमने जल्दी कैच करके जल्दी इंटरवीन नहीं किया, 200 words कवर करना इजी है, लेकिन 2000 words कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जितनी जल्दी आप लोग हेल्प लेंगे, उतनी जल्दी हम बच्चे पे काम कर सकते हैं, जितनी जल्दी बच्चे पे काम कर सकते हैं, उतनी जल्दी वो लैंग्वेज सीख सकता है।